तो स्वागत है आपका। आखिरकार भारत की चिंताओं के बावजूद भी श्रीलंका ने चीन के जहाज को भारत के निकट के बंदरगाह पर आने की या रुकने की इजाज़त दे दी है। चीन का पहले ही बहुत विवाद भारत के साथ है, अब फिर एक और, ये श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को भारत के निकट बंदरगाह पर रोकने की दी मंजूरी रिपोर्ट। ये जो है ये NDTV इंडिया की न्यूज़ है, आपके स्क्रीन पर है। ये जो है इसे देखो, युवान वोंग इसका नाम है, युवान वोंग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक्स साइटों द्वारा एक शोध सर्वेक्षण पोत के रूप में इसको बताया गया। देखिए शोध एवं शोध सर्वेक्षण के लिए ये बहुत टेक्निकल है, सातीर भी है एक तरीके से, उस आसपास के 750 किलोमीटर के एरिए की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसे दोहरे उपयोग वाला जासूसी जहाज भी कहा जा सकता है, जैसे कि निकट बंदरगाह के इसके आसपास हमारे जो इसरो भी तो आता है, वहाँ की सूचनाएँ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है श्रीलंका ने इसको मंजूरी दी है इस जहाज को आने के लिए। इस प्रकार का जहाज ये बताया जाता है जासूसी का खतरा, एक तरफ चीन हमारी सीमा में, चाहे पूर्वांचल की बात करें उस तरफ भी अपनी सीमा में घुस रहा है, दूसरी तरफ ये श्रीलंका की सरकार ने भारत की चिंताओं के बावजूद वो नई दिल्ली के सैन्य प्रतिष्ठानों के ये जासूसी कर सकता है, एक विवादास्पद चीनी शोध पोत को द्वीप पर जाने की अनुमति देती है। समाचार एजेंसी AFP ने अधिकारियों के हवाले से ये बताया है कि युवान वोंग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक साइटों द्वारा एक शोध और सर्वेक्षण पोत के रूप में बताया गया, लेकिन इसे दोहरे उपयोग वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल पी सिल्वा ने कहा उन्हें 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। सिल्वा ने AFP को बताया कि आज मुझे राजनयिक मंजूरी मिली है, हम बंदरगाह पर रसद सुनिश्चित करने के लिए जहाज द्वारा नियुक्त स्थानीय एजेंट के साथ काम करेंगे। आप क्या अपनी राय रखते हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।